ये पूरा का पूरा नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूरा झील झरना तो पहाड़ से आया हुआ है, ये पहाड़ का मछलियाँ है। इंडिया के जितना भी स्टेट है, जितना भी सिटी है, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल ग्रीन सिटी, ग्रीन स्टेट आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अगर आप भी कहीं नॉर्थ ईस्ट के बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, और आपको आर्टिफिशियल दुनिया से थोड़ा कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन चाहिए, आपको माइंड फ्रेश करना है, तो आप ज़रूर मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, आसाम ज़रूर विजिट कीजिए, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देखिए, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हिल है, हिल एरिया है, लेकिन बीच में से ये जो रास्ता निकल रहा है, और हम उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा 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 करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, जाते जाते बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। हाँ, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जितना ऊपर की तरफ जाता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा करके क्लाइमेट में भी चेंजेस आते रहेगा, तो चलिए देखते रहिए। ये जाते वक्त हमें मिला बाजिंग डब्बा, ये एक्चुअली एक लोकेशन को बाजिंग डब्बा बोलता है। अभी हमारा थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए हमारा पेट्रोल थोड़ा कम है बाइक में, और यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप लोग भी कभी यहाँ आएंगे तो ये एंश्योर कर ले कि आपके पास काफ़ी पेट्रोल हो, वरना आप भी हमारे तरह का मुसीबत में फंस सकते हैं। चले देखते हैं आगे तक जाते हैं कहाँ पर कब पेट्रोल पंप मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा गाड़ी रुक के आपको सीनरी नज़ारा दिखाता है, ये देखिए। तो देखिए, जाते जाते हमें ये मिला, एयरपोर्ट है, 2 किलोमीटर दूरा, 36 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं। अभी हम विलियम नगर के पास में जो वाटरफॉल है, वहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की आवाज इतना ज्यादा है कि कुछ भी बोलने से नहीं सुनाई देगा। अब तो बस ऐसा मजा कीजिए। Thank you.
अभी हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे, तो चलिए देखते रहिए और कहाँ कहाँ लेके जाएंगे आप लोगों को। तो अभी हम मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी से पूछा तो बोला कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। तो चलिए, वो जो बोला उन लोगों ने वही वाटरफॉल अब हम भी देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमने आते वक्त गाड़ी का बाइक का पेट्रोल चेक नहीं किया था, पेट्रोल कम था, तो हमें यहाँ पे खुले में पेट्रोल भराना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल डिपो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें पर लीटर 140 करके पेट्रोल डालना पड़ा गाड़ी में, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। शायद यहाँ का यही प्राइस है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी ऐसा उतना खास नहीं। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों का नदी, यू कैन सी, ये आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मल नदी से बहुत ही पावरफुल होता है फिलेरिया का नदी, अचानक पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है और अचानक पानी कम भी हो जाता है। तो देखिए आप लोग, फाइनली हम जहाँ तक जाना चाहते थे वहाँ के थोड़ा नज़दीक आ गए, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट पर तक हमें ट्रैकिंग करके जाना होगा, तो बहुत दूर है, दो तीन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली एक से ज़्यादा है। तो गाइस, ये मेघालय का वासी एरी प्लेस है, वासी एरी नेम है, वासी एरी। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे नेचुरल, ये सब कुछ नेचुरल है। यह आपको आइए देखिए, गाइस आप लोग को अभी एक मज़ेदार चीज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए देखिए आप लोग देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूरा झील झरना जो बाहर से आया हुआ है, ये बाहर का मसला है। पूरा जहाँ तक देखो दूर दूर तक मसला मसला है। Thank you.
तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी से पता चला कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिक ईल मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक ईल हमें 900 वोल्ट का कारण दे सकते हैं, तो इसलिए हमें सावधान रहने के लिए बोला गया है। तो एक जनरली एक परिवार में 240 वोल्ट का कारण सप्लाई होता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्ट शॉक दे सकता है ये इलेक्ट्रिक ईल। तो आज हमने जितना कोशिश किया, जितना होके हमने आपको पूरा नज़ारा दिखाया, वीडियो दिखाया, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कितना नेचुरल पूरा नेचुरल झरना है और यहाँ पर कितना सारा मछलियाँ है। तो यही है नॉर्थ खूबसूरती, यही है मेघालय का खूबसूरती, यही है असम का खूबसूरती। तो काइंडली टू विजिट नॉर्थ ईस्ट असम मेघालय। आज के पूरा दिन में जितना हो सके आप लोग को मैं कवर करके दिखाया है, और ऐसे बहुत सारा है नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए जगह। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।